हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दिलीप और दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी एस हेल्पिंग फॉरएवर। दोस्तों आज मैं लाइव हूं एक नए वैकेंसी नए जॉब के साथ जो कि एसएसएससी में आई हुई है क्लर्क पोस्ट पे। जी हां दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएसएससी में क्लर्क पोस्ट पे कैसे आवेदन करेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और लास्ट डेट कब तक है और इसका एग्जाम कब होगा। साथ साथ आपको बताएंगे कितने पोस्ट है और कौन कौन इस पोस्ट पे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले से दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम हैं यहाँ पे गूगल पे लाइव, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट है गूगल का, google.co.in। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जाना है ऑफिशियली वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है google.co.in और यहाँ पे लिखना है आपको ssscc.gov.in। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और यहाँ पे ये जो जॉब है वो भी गवर्नमेंट ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आना है आपको ssscc.gov.in। जैसे ये ओपन होगा तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्लिंक होके आ रहा है ये क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों ये स्पेशली जो वैकेंसी है सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा के लिए है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया रिक्रूटमेंट सेक्शन, यहाँ पे क्लर्क सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन के लिए ये दूसरा टैब दिख जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू इस तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ और सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी SSSC। तो ये है इम्प्लॉयमेंट नोटिस, आप देख सकते हैं दोस्तों, और डेट जो है 5 जनवरी 2019 को जारी हुआ है। ऑनलाइन जो अप्लाई जो स्टार्ट होने वाला हुआ है वो 7 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट या टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेप वन का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 4 फरवरी है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन भी 6 फरवरी और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेप टू का जो लास्ट डेट है 7 फरवरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है पीडीएफ नोटिफिकेशन और यहाँ पे जो पोस्ट है तो फिलअप पोस्ट ऑफ क्लर्क यानी क्लर्क पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिखाया गया 352 और जनरल के लिए 183, SC ST ऑफ हरियाणा 60। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी भी दिखाया गया, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है और रिक्रूटमेंट क्या होनी चाहिए और कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसके बाद से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे जनरल के लिए 1842 एज होना चाहिए, SC ST ऑफ हरियाणा 1847 और BC ऑफ हरियाणा 1847 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 1842 और कुछ छूट है 3 ईयर्स के लिए और इस तरह आप देख सकते हैं। मैं नीचे डायरेक्टली आता हूँ क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं नोट में लिखा गया अप्लीकेंट हु इज पोसेसिंग द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स कंप्यूटर या इक्विवेलेंट देयर टू इज एलिजिबल। तो वो सभी लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये सब चीज़ दिया हुआ है और नीचे मैं आता हूँ डायरेक्ट और यहाँ पे बता देता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो यहाँ पे आपको द एप्लीकेंट शैल हैव टू टेक रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, पहला जो होगा वो जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपको एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे ये आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन है और यहाँ पे बताया गया कि नेगेटिव मार्क्स भी है, 1/4 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड एवरी रॉन्ग आंसर पे।
तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों आप इसे पढ़ लें। हाउ टू अप्लाई का भी यहाँ पे ऑप्शन है, कैसे आपको आवेदन करना है, तो इसको तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ साथ दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। नीचे चलते हैं, अप्लीकेशन फी। तो जो मेन मुद्दा है वो है अप्लीकेशन फी, और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों ई एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए आपके मोबाइल पे एक SMS और ईमेल चला जाएगा, और यहाँ पे बताया गया कि आपको SSSC.gov पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको मोबाइल पे भी SMS आ जाएगा जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, और यहाँ पे मेल और फीमेल, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए ₹750 मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल फीमेल कैटेगरी के लिए ₹375 यहाँ पे फी लिया जाएगा। SC ST BC ESM ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 और फीमेल के लिए ₹100, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट, यानी अदर स्टेट का जो फी है मेल के लिए ₹750, और अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी के लिए ₹375 यहाँ पे फी लिया जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए डिपेंड्स ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एज ए पर देयर ओरिजिनल कैटेगरी, यानी ओरिजिनल कैटेगरी के अनुसार ही उनका भी फी लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस, और एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल या मई मंथ में एग्जाम कंडक्ट करने का यहाँ पे संभावना बताया गया है, ठीक है दोस्तों, पता चल गया। तो आप एक बार इस चीज को पढ़ लें अच्छे से, ताकि आप कंफर्म हो लें कि आप आवेदन कर पाएंगे, कि आप इलिजिबल हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। तो ये देख सकते हैं आपको आना है सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर ले रहा हूँ दोस्तों, या मैं डायरेक्टली इसी को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हैव यू रीड एडवर्टाइजमेंट, यस यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे अपना नाम भरना है, फादर नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर यहाँ पे चूज करना है, कैटेगरी आपकी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी जनरल SC ST, ठीक है, या BC ऑफ हरियाणा। तो आप अदर स्टेट के अगर हैं तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट ये चूज करेंगे, और यहाँ पे SC ST ऑफ हरियाणा है, BCA ऑफ हरियाणा, BCB ऑफ हरियाणा, ये सारे हरियाणा के लिए रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप चूज कर लें। अगर आप जनरल तो जनरल अवश्य चूज करें। तो इस तरह से आपको चूज करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैरिटियल स्टेटस पूछा गया है, तो मैरिड है कि अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद ये जो है वेदर द कैंडिडेट्स इज गवर्नमेंट इम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट इम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन विद एज हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यस कर। डू यू पोजेस द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, यस यस इसमें अवश्य करना है, क्योंकि आप बैचलर डिग्री यहाँ पे मांग रहा है। नो कीजिएगा तो नॉट एलिजिबल हो जाइएगा, तो यहाँ पे यस करना होगा। एड्रेस ऑफ कोरोस्पेंडेंस, आपका एड्रेस क्या है यहाँ पे पूरा भी अच्छे से भरना है, और दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो दोनों सेम सेम लिखा जाएगा कंप्यूटर द्वारा। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है, और स्टेट चूज करने के बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, और यहाँ पे चेक करना है, और उसके बाद ये कैप्चा भरना है और प्रीव्यू करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके आगे से आपका प्रोसेस को बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा फॉर्म को फिलअप कर लिया है, और मैं एक डेमो के तौर पर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ कि आपको ऐसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट भी भर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे प्रीव्यू, तो कह रहा है कि प्रीव्यू एंड चेक द इन्फॉर्मेशन फील्ड एंड देन शूड सबमिट, तो ओके पे करेंगे। तो यहाँ पे हम ओके करे हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रीव्यू फॉर्म आ गया है। अगर इसमें कोई गलती है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट ऑप्शन है,
अदरवाइज यहाँ पे लॉक एंड सबमिट कर देंगे तो बाद में ये एडिट नहीं होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को फिलअप करें। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉक एंड सबमिट। तो ये पूछ रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द सेम, प्लीज इंश्योर इन्फॉर्मेशन इंटर्ड बाई यू इज करेक्ट। तो यहाँ पे पहले मैसेज जनरेट कर रहा, मैं कर दे रहा हूँ ओके। और ये देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्टेप वन, और यू रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है और पासवर्ड भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर भी यहाँ पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे मोबाइल पे भी यहाँ पे एक SMS आ चुका है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको प्रिंट आउट करना है। ये जो आपको यहाँ पे जनरेट हुआ है इसे प्रिंट आउट करना है और किसी भी स्टेट बैंक में आपको जाना है इस चलान को लेकर। ये एक चलान है SBI ब्रांच, यहाँ पे फीस सेव है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, प्रिंट का भी ऑप्शन है, सेव एज PDF का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट आउट ऑफ कैश डिपॉजिट रिसिप्ट बी टेकन इन द लैंडस्केप ओरिएंटेड। तो यहाँ पे लैंडस्केप में आप इसे प्रिंट कर लें। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का प्रिंट आपको करना है लैंडस्केप में। यहाँ से आप लैंडस्केप कर लें, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये दो पेज निकल जाएगा, एक SBI ब्रांच में रह जाएगा, एक आपको स्लिप के तौर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको आपको प्रिंट आउट करना है। और कह रहा है यहाँ पे प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ द कैश डिपॉजिट रिसिप्ट एंड डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड फी इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देयर आफ्टर लॉग इन फॉर द रजिस्ट्रेशन पार्ट टू। तो ये है ऑप्शन यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका प्रिंट आउट करना है और किसी भी स्टेट बैंक में आपको इसको जमा करके और उसके बाद से यहाँ पे आपको पार्ट टू को फिल करना है। इन केस ऑफ एनी इश्यू रिगार्डिंग फी डिपॉजिट कॉन्टैक्ट बैंक ऑथोराइज्ड। तो यहाँ पे बैंक ऑथोराइज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे सारा आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रांच फिल करना है, सिटी फिल करना है, ट्रांजैक्शन जनरल नंबर बैंक से मिलेगा आपको, डिपॉजिट डेट आप यहाँ पर फिल कर देना है और एप्लीकेशन फी और बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा कट रहा है, यहाँ सिग्नेचर करना है और बैंक यहाँ पे आपको स्टंप जब डिपॉजिट करेगा तो आपको स्टंप देगा। उसके बाद से आपको स्टेप टू पे आना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे होम पे, और होम पे आने के बाद से इसको हमें क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको करना है लॉग इन फॉर स्टेप टू। तो जैसे यहाँ पे लॉग इन फॉर स्टेप टू पे करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद से यहाँ पे ये लॉगिन होगा मे बी। अब देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सब चीज़ टाइप कर दिया हूँ, अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन किया हूँ और मे बी ये लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और इन केस ऑफ पुअर क्वालिटी इमेज सिग्नेचर नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि आपको कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है। ये देख सकते हैं ये है करेक्ट और ये है इनकरेक्ट। तो आप देख लें सिग्नेचर आपकी कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर और फोटो देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे यह इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस, ये देख सकते हैं जैसे आप पेमेंट जमा कर देंगे तो यहाँ पे आपको ब्रांच कोड और ब्रांच नेम और ब्रांच सिटी यहाँ पे डालना है और ट्रांजैक्शन या जनरल नंबर आपको मिलेगा आपके बैंक से जब आप पेमेंट जमा कीजिएगा, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। और लिखने के बाद से पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट, आप किस दिन पेमेंट किए वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद से कुछ और यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है वो आपको भरना है। उसके बाद से भरने के बाद से यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है और आपने कितना नंबर पाया था, तो यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे भरना है। इस तरह आप अगर ग्रेजुएशन तक आपको ये चीज़ भरनी है, मैट्रिक और ग्रेजुएशन, थर्ड वाला जो कॉलम है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो भरें, अदरवाइज छोड़ दें। अब यहाँ पे फोटोग्राफ्स और यहाँ पे सिग्नेचर और ये चीज आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद से प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के बाद से यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये है सिंपल स्टेप्स, आपको फॉलो करके इस फॉर्म को आसानी से भर लेनी है और भरने के बाद से एग्जाम डेट का
वेट करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज एक बार लाइक अवश्य कर दें और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वैकेंसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। बाय बाय।